अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फरीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, वो है मज़ेदार स्वीट डिश जिसे कहते हैं लबे शीरिंग। लबे शीरी बनाने के लिए व्यूवर्स जो जो इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए वो नोट कर लें। एक प्याली पास्ता सवैयाँ ले लें, 1.5 kg आपने दूध ले लेना है और उसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसके अलावा आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो कटिंग कर लें। मैंने पिस्ता लिया है, 3 छुहारे लिए हैं, 3 इलायचियाँ और 2 तरह की मेरे पास किशमिश थी वो 1 टेबलस्पून मैंने दोनों की ले ली है। अब छोटा 1/2 कप दूध ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड पाउडर ले लेना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। व्यूवर्स, मिक्स इसे अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रह जाए, ताकि हमारा लबे शीरी बने एकदम ज़बरदस्त। और इसके अलावा व्यूवर्स, इसकी गार्निशिंग के लिए हमें जेली भी चाहिए। 1 कप पानी में पूरा पैकेट डाल दें और इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही व्यूवर्स ये मिक्स हो जाएगी, मैं इसकी आँच बंद कर दूँगी और ये मिक्स हो चुकी है। अब एक मेरे पास डीप प्लेट थी तो उसमें मैं ये निकाल लूँगी। अगर आपके पास सांचा है तो आप उसमें भी निकाल सकती हैं। इससे आपकी लबे शीरिंग का टेस्ट एकदम कमाल का होने वाला है। इसके बाद 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है मैंने और उसमें 3 इलायचियाँ डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। जैसे ही हमारी इलायची फ्राई हो जाए, जो 1 कप पास्ता सवैयों का था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे ऐड करने के बाद व्यूवर्स, इसे अच्छे से फ्राई कर लें। सवैयाँ फ्राई इसलिए की जाती हैं कि जब आप ये बनाएंगे तो दूध में आपकी सवैयाँ बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगी मगर वो आपस में जुड़ेंगी नहीं। और ये देखें, कलर इनका डार्क हो चुका है, इट मीन्स कि ये फ्राई हो चुकी हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगी, इसमें फ़ौरन से आप दूध ऐड कर लें। दूध व्यूवर्स आपने पहले से अच्छे से बॉयल कर लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दूध को जब आप किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसका ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसलिए जब भी आप दूध यूज़ करें तो उसे पहले बॉयल कर लिया करें। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए थे वो तमाम के तमाम मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। और कस्टर्ड पाउडर का जो मिल्क मैंने तैयार किया था वो भी बिल्कुल रेडी फॉर्म में है। जब हमारी सवैयाँ 1/2 पक चुकेंगी तो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। और तकरीबन मेरा मिक्सर 1/2 हो चुका है पककर, तो अब मैंने इसमें व्यूवर्स कस्टर्ड का मिक्सर जो था वो मैंने डाल दिया है। इससे बहुत कमाल का फ्लेवर आएगा और हमारी सवैयाँ थोड़ी थिक बन जाएंगी और बहुत लजीज खुशबू आ रही है स्वीट की। और ये तकरीबन मेरी सवैयाँ तैयार हैं। बस इस फॉर्म पे व्यूवर्स आपने आंच बंद कर देनी है, क्योंकि इसके बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडी होंगी तो ये थिक हो जाएंगी। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएं तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद व्यूवर्स, मेरी सवैयाँ कुछ इस तरह की बनी हैं। अब इसकी गार्निशिंग में मैंने किशमिश ऐड कर दी है, मिक्स फ्रूट लिए हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। और देखें, बहुत कलरफुल लबे शीरी बना है और एकदम मज़ेदार। और ये जो मैंने जेली ली थी अभी अच्छे से रेडी है। अब इसको 1 by 1 मैं तमाम पीसेस को इसमें डाल दूंगी और इससे मेरी लबे शीरिंग का कलर बहुत कमाल का आएगा, टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा और देखने में भी बहुत कमाल की होगी। और ये है मेरा स्वीट डिश लबे शीरिंग। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये स्वीट डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।